अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। MLC प्रत्याशी सुनील त्यागी को त्यागी समाज ने दिया समर्थन, जीत का दिलाया भरोसा। मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं FirstBite.TV। स्नातक MLC प्रत्याशी सुनील त्यागी को विजयी बनाए जाने के लिए त्यागी समाज की सभी संस्थाओं ने जीतोड़ प्रयास शुरू कर दिए हैं। त्यागी ब्राह्मण समाज ने सुनील त्यागी को विजयी बनाए जाने के लिए उनका पुरजोर समर्थन करते हुए भारी मतों से उनको विजयी बनाने का संकल्प भी लिया। मेरठ की अग्रणी संस्था अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, त्यागी मिलन, त्यागी कल्याण मंच, त्यागी पंच सभा, अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा, जागति विहार आदि ने प्रस्ताव पारित कर त्यागी ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठित MLC स्नातक के उम्मीदवार को जिताने के लिए समाज में एकीकरण करने की अपील की। इस दौरान हुए एक समारोह में मुख्य अतिथि कुमारी अंशु त्यागी, लोकपाल मेरठ का, सभी ने शॉल तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर स्वागत किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि त्यागी समाज अपने मत भेद भुलाकर प्रत्याशी सुनील त्यागी को जिताने के लिए कदम से कदम मिलाकर चले। इस अवसर पर सपना त्यागी, पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र त्यागी, आशाराम त्यागी, धीर सिंह त्यागी, बुलंदशहर से वेद प्रकाश त्यागी समेत कई जिलों और कस्बे से आए त्यागी समाज के नेताओं ने सुनील त्यागी को समर्थन देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सुनील त्यागी के पिता 91 वर्षीय डॉक्टर रमेश चंद त्यागी ने शतायु पुरुष होने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का आयोजक संयोजक डॉक्टर जीवेश पराशर, संचालन गंगाशरण त्यागी, अध्यक्षता उदयवीर सिंह त्यागी ने की। मैं आशुतोष त्यागी, ग्राम रतनगढ़, जिला बिजनौर का निवासी, यहाँ एफ ब्लॉक शास्त्री नगर में मेरा निवास स्थान भी है। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि श्री सुनील त्यागी जी को भारी मतों से विजयी बनाए इस MLC के स्नातक सीट के चुनाव पे। धन्यवाद। मैं रतीश प्रकाश त्यागी, त्यागी कल्याण समिति का उपाध्यक्ष हूँ। आज की जो ये बैठक हुई है, इसमें सुनील त्यागी जो MLC स्नातक सीट के प्रत्याशी हैं उनको सफल विजयी बनाने के लिए आयोजन किया गया है, और समस्त त्यागी समाज आज ने निर्णय लिया है कि हम सब सुनील त्यागी के साथ एक रूप से इकट्ठे होकर के उनको विजयी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और 100% विजयी बनाएंगे। और मेरी अन्य लोगों से भी अपील है कि ये सुनील त्यागी किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं और इनको अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं। ये एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और समाज के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद। इस पूरे क्षेत्र में लगभग 1,00,000 स्नातक हैं और इनके साथी जितने भी हैं दूसरे परिवारों में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। हम अगर मिलकर के इनके 40% भी वोट डाल दें तो भी हम जीत रहे हैं, क्योंकि पिछला इलेक्शन जो जीता था वो 25,000 की वोटिंग पे जीत गया है। आप कम नहीं हैं, ज़्यादा हैं, और एक की जगह चार चार करके अगर वोट डालेंगे, सबसे डलवाएंगे, तो निश्चित रूप से श्री त्यागी, श्री सुनील त्यागी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। आप लोगों से अपील है कि जोर शोर से लग जाओ और उन्हें जिताने का प्रयास करें। मेरा नाम सपना त्यागी है, मैं पूर्व अध्यक्ष त्यागी कल्याण समिति मेरठ, और मैं अपनी सभी महिला बहनों से अनुरोध करना चाहूँगी कि जो हमारे भाई श्री सुनील त्यागी जी इस स्नातक MLC पद के लिए खड़े हुए हैं, उन्हें भारी बहुमत से वोट देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार त्यागी, पूर्व सचिव त्यागी कल्याण समिति रजिस्टर्ड मेरठ। जैसा कि आज यहाँ पे मीटिंग का आयोजन किया गया त्यागी कल्याण समिति की तरफ से, और इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री सुनील त्यागी जी को स्नातक सीट से विजयी बनाना है, और समस्त बरादरी के सदस्यों को, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो धरातल पर कार्य करते हुए तन मन धन से मेहनत करें और श्री सुनील त्यागी जी को विजय बनाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए FirstBite.TV।